जो सरकार मारी मदद करेगी ना, आम ये सारा काम सुने है और सब कुछ ये काम को आट है। और मैं भी एक पंडित हूँ, आज मैं भी कहती हूँ चाहे यू काम बेचता तो छो मानना का सुने है, मैं भी 365 काम मांगा पापन हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो है, मारा भी के मशहूर है और मारी भी के मानना है, सुना है, आम है गठवाड़े के लिया और गठवाड़ा मारी के लिया 365 काम है। आम बीजेपी सरकार ने कती मूर्ति मार देंगे यरा की जगह में, ब्राह्मण का श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है। हाँ कला में मंडी बचाने को लेकर के आम आदमी पार्टी और किसान सभी जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पिछले दो दिन से भारी घमासान भैंसवाड़ के अंदर है। संदीप है, पूरे गांव में यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम इस भाजपा सरकार की तानाशाही रवैये से अब परेशान हो चुके हैं। ये किसानों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लेते, इन्होंने समय समय पर किसानों के साथ अत्याचार करने का काम किया, चाहे वो इन्होंने डंडे मारे हो चाहे गोलियां मारी हो। पहले भी एक साल तक किसान धरने पे बैठे रहे इन्हीं तीन काले कानूनों को लेकर। अभी किसानों को ये बैक रास्ते से उन्हीं कानूनों को अप्लाई करने का एक काम कर रहे, जो मंडी पिछले 40 साल से यहाँ चल रही थी, किसानों को सुविधा थी, उस मंडी को बिना किसी नोटिस के इन्होंने बंद कर दिया। और अब किसानों के ऊपर इन्होंने आदेश थोप दिया कि अपनी मंडी अपना अपनी फसल 25-25 किलोमीटर दूर डाल के आओ। मतलब तो आपने क्या किया, आज ये यात्रा निकाली है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? हम हर गांव में, अभी हमने शुरुआत करी है भैंसवाड़ कला से, इसके बाद हम बिलबिलान, कटवाड़, जसराणा, आवली, हर किसी गांव में ऐसे ही जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और इस भाजपा सरकार की इस किसान विरोधी सोच को, इस किसान विरोधी जो इनका चेहरा है, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे। किसान आपके साथ हैं, सत्यवान नरवाल जी हैं, क्या कुछ फैसले लिए हैं, ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप पंचायत कर रहे हो? देखिए, हम धन्यवाद कराना चाहेंगे नौजवानों का, इन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है, इस समाज के किसान और मजदूर के साथ खड़े हुए हम इन भाइयों का धन्यवाद करना चाहेंगे। और कल फरमाना गांव में जो मंडी है, फरमाना की भी मंडी तोड़ दी, भैंसवाड़ की भी तोड़ दी, इन दोनों मंडियों के लोग, जो क्षेत्र के लोग, जो 20-30 गाँव 40 गाँव के जो लोगों की मंडी है, वो सभी लोग 11 बजे इकट्ठा होंगे फरमाना मंडी में। और सभी ने यह निर्णय लिया है 11 बजे पंचायती फैसला होगा, जो भी पंचायत फैसला लेगी, चाहे साइलोज बंद करने का, तालाबंदी करने का फैसला हो या और दूसरा और भी कड़ा निर्णय हो, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा। और इसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये अंबानी अडानी का देश नहीं है, कंपनियों का देश नहीं है, ये आम किसान मजदूर, आम कमेरे वर्ग के लोगों का देश है और अन्याय के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि बैकडोर एंट्री से जो है, जो काले कानून जिन्हें बताया गया था उन्हें रद्द कर दिया गया था और बैकडोर से अब उनकी एंट्री हो रही है, उसी के खिलाफ जो इतना गुस्सा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमवीर नरवाल है, मैं यहाँ आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता चला कि जैसे मंडी बंद होगी, तो एक बात बताओ, सरकार चाहती क्या है, क्यों मंडी बंद की, किस बेस पे की है, क्या किसान अपना अनाज भी नहीं बेच सकता क्या कहीं पे? जब 40 साल से यहाँ पे मंडी चली हुई थी, तो अब उस मंडी में ऐसा क्या हो गया कि उसको बंद कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं आया, किसी किसान को कुछ बताया नहीं गया, क्यों भाई? पीछे इतने हमारे किसान मारे गए थे क्या? पिछली बार बोला गया था कि खालिस्तानी है, ये है, वो है, क्यों किसान कभी भी क्या ऊपर नहीं उठ सकता क्या? क्या सरकार ये चाहती है कि किसान जहाँ पे है उससे भी नीचे चला जाए, कि अपनी फसल अपने तरीके से बेच ही नहीं सकता? सरपंच साहब, ये तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं बारी बारी से गांव में, इतना बड़ा माहौल हो रहा है, इतना रोष है, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? सरकार देखते हुए भी कौन देखा कर रही है, सरकार की अपनी मंशा है, अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसान को बर्बाद करने की मंशा है, वो अपनी जिद को नहीं छोड़ रही। इसका आगामी लोकसभा में सरकार को हम दिखाएंगे कि कैसे मनमानी होती है। हम यहाँ से जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी से गाँव पड़ते हैं, 12 गाँव पड़ते हैं हमारे सेंटर पर जो गेहूँ डालते हैं, उधर से फरमाना गाँव है जैसे वहाँ भी, तो दिखाने के बाद भी सभी को रोष है। ये संदीप भाई है, जैसे अभी नरवाल साहब आए थे और कल भी और जो नेता आए थे, सभी किसानों की हमदर्दी के लिए यही चाहते हैं, सरकार से बार बार मांग करें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा कि सेंटर को
जैसे पहले चला सुचारू से चलाया जाए और किसानों को रात की सांस दी जाए। नहीं तो फिर इसका अंजाम लोकसभा में हम दिखाएंगे और गांव में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाएगा बीजेपी के लिए। क्या बात है, ये क्या नाम है जी आप? ओम प्रकाश है। ऐसा ही हुआ, गांव से ही हुआ, गांव से ही है। ऐसा है जी, ये जो तीन कानून जो है लाए गए थे उनको ही दोबारा से जो है बैकडोर एंट्री से करने के लिए ये अब जो है साजिश है गवर्नमेंट की, इसलिए जो है ये गांव गांव की मंडी बंद की जा रही है। अगर ये सरकार ने जो है मंडियां चालू नहीं की तो अब तो हर गांव में जो है विरोध प्रदर्शन होगा, फिर बाद में सारा एरिया मिलकर जो है ना विरोध प्रदर्शन करेगा और जहां साइलों पर जो है ना कोई भी अनाज लेके जाएगा वहां हम धरना देंगे, किसी को भी जो है अनाज वहां नहीं ले जाने देंगे। ये मंडियां जो है हम दोबारा चालू करवा के ही रहेंगे। बहुत गुस्सा है जी। बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे देश के नौजवानों से, पीछे जो बीजेपी की सरकार आई हमारे पूर्वज कहा करते थे ये पूंजीपतियों की ये सरकार है, कभी इनको वोट मत देना। इन नौजवानों ने भारी गलती करी और आज नौजवान इसके विरुद्ध खड़ा हो चुका है क्योंकि मंडियों की व्यवस्था इनके बाप की व्यवस्था नहीं है, चौधरी छोटू राम की देन है और उस चौधरी छोटू राम की सोच में हम फूल चढ़ाएंगे, इन मंडियों को किसी भी कीमत में खत्म नहीं होने देंगे। पूरा गाँव बहुत गुस्से में है। बिल्कुल, गाँव जिन लोगों को आप सोच सकते हो 40 साल से जो अपना एक रूटीन बना रखा था, अब उनको बिना किसी आदेश के सीधा पारित कर दिया कि आप अपनी फसल को यहाँ नहीं डाल सकते। इतना स्टोरेज थोड़ी ना है किसान के पास, अगर होता तो वहाँ लेके जाने की जरूरत, लेकिन हम अपनी लड़ाई को हर गांव तक हर व्यक्ति तक पहुँचाएंगे और इस भाजपा सरकार को दिखा देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में के वोट की चोट क्या होती है। क्या सूरज बांचल K9 मीडिया के दर्शकों को मैं पहले तो नमस्कार करता हूं। आज की जो परिस्थिति आ रही है, आज सभी सारा देश देख रहा है कि जो 13 महीने किसान ने आंदोलन किया था जिन कानूनों के विरोध में, आज वही कानून काल पिछले गेट से पिछले दरवाजे से ये सरकार उन पूंजीपतियों के किसान मजदूर को बेचने का काम कर रही है, क्योंकि किसान के उस फसल पर कब्जा होगा, उस अन्न पर कब्जा होगा, फिर वो अपनी मन मुताबिक जो हमारे स्रोत खरीददार हैं जिनको ज़रूरत है अनाज की, वो अपनी मन मर्जी से अपने मन माफिया भाव से बेचेगा और उसको ये भी नहीं है कि इंडिया के किसानों को इंडिया के खरीददारों को देगा, वो अपने मुनाफे के लिए विदेश को भी सप्लाई कर सकता है। सभी श्रोताओं को मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने अन्न को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, सब जो किसान और मजदूर है उसके ऊपर जो आज चोट आई हुई है आज उसके हम मैं ये कहता हूँ सभी को साथ देना चाहिए और सभी को ग्राउंड में आना चाहिए। धन्यवाद। मैं पहले बोल दिया रे बादशाह, फिर बोलवाओगे मना आमदाई ऐसे है सुना है, इस विरोधी सरकार ने पहाड़ी का पका देंगे और जो गाँव माओ का ना बीजेपी का उन्हें सुनो गाँव में नहीं बढ़ देंगे और आमदाई चाहते हमारी मंडी चालू होनी चाहिए। चलो ये चौधरी ना फिर भी नहीं बढ़ देंगे इनको ना सुना आमदा फिर बताऊ क्या आमदा भाई देखो जो हमारी बात सुनेगा ना हम उसकी भी सुनेंगे फिर सोचा जाएगा। भाई बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन आजाद ही रहेगी। ऐसे है अब बात सुनो, देखो जो सरकार हमारी मदद करेगी ना आम ये सारा गांव सुने है और सब कुछ ये गांव को आते है और मैं भी एक पंडित हो, आज मैं भी कहती हूँ चाहे यू गांव बेचता तो छो मानना का सुने मैं भी 365 गांव मांगा पापन हूँ। ठीक है सुनो है मारा भी के मौसूर है और मारी भी के मानना है सुनो है आम है गठवाड़े गेलिया और गठवाड़ा मारी गेलिया 365 गांव है आम बीजेपी सरकार ने कोती मुती मार देंगे यरा की जगाम ब्राह्मण का श्राप है। हाँ ब्राह्मण का श्राप है। हाँ।